मैं फरहान इंडियन मीडिया बुक से। आज मेरे साथ हैं अब्दुल अजीम साहब जो बीजेपी के स्टेट माइनॉरिटी मोर्चा के प्रेसिडेंट हैं और फॉर्मल पुलिस ऑफिसर हैं। आज हम इनसे दो मुद्दे पे बात करने वाले हैं। एक तो लोकल मुद्दा है जो आईएमए का और दूसरा जो मुद्दा है नेशनल मुद्दा है लिंचिंग का। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमको टाइम दिया क्योंकि काफ़ी पॉइंट है कि लिंचिंग मॉब लिंचिंग इससे सारे लोग परेशान हैं। आपने अभी नया झारखंड का बारे में जो केस हुआ वो पता हो, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, किसको आप जिम्मेदार ठहराते हैं? क्योंकि देखिए बीजेपी की हुकूमत है, झारखंड में भी है और सेंटर में भी है, और बात है कि जब पार्लियामेंट हाउस के अंदर जय श्री राम होने लगता है और अल्लाह अकबर होने लगता है तो इसका रिएक्शन तो जनता के पास आएगा। देखिए मैं एक अच्छा पुलिस ऑफिसर हूं जी, मुझे लोग वोट दे रहे हैं, मुझे लोगों में मेरी पहचान बनी, ये सब मेरी पुलिस की नौकरी और पुलिस की सेवा की वजह से बनी। इसीलिए मैं कहता हूं कि तुम्हारे हर सवाल को मैं कहता हूं कि मैं पुलिस ऑफिसर हूं जी। मैंने नाम कमाया जुर्म को खत्म करके, रोडिज्म को खत्म करके और 47 कल्प्रिट्स को मैंने जन्म खैद सजा दिलवाया। मैं कभी पसंद नहीं करता कि समाज में जुर्म हो, किसी को कत्ल करना जो है ये जो है अनपार्डनेबल क्राइम है। हम कभी उसको उसके फेवर में बात नहीं करेंगे और हम इसको कंडम करता हूं, क्राइम नहीं होना चाहिए और ऐसी चीजों को जो है आप रोकना चाहिए। ये लॉ एंड ऑर्डर जो है ये स्टेट सब्जेक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर इज स्टेट सब्जेक्ट, वहां की स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार है। तो वहां की स्टेट भी तो बीजेपी है, कौन सी भी पार्टी रहो, मैं पार्टी को छोड़ के बात कर रहा हूं जी। जुर्म जुर्म है, ऐसे लोगों को जो है तुम गिरफ्तार भी करना है और इसके लिए पूरे इंडिया में लिंचिंग का केस कहीं हुआ है तो स्पेशल कोर्ट कायम किया जाए जी। आज के केसेस ऐसे हैं, समझो कि चार्जशीट डाल के 5 साल हो गया, केस का ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ, 10 साल हुआ उसका ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड बोल के बोलते हैं हमारे पास। तो इसलिए स्पेशल कोर्ट कायम किया जाए, 6 महीनों के अंदर उसका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो, उसकी सुनवाई हो और कोर्ट का जजमेंट आए। और इस तरह बुरी तरह से मारना जो है इन लोगों के लिए तुम डेथ सेंटेंस हो। नहीं लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है, आपको क्या लगता है कहां हम फेल कर गए? देखिए ये इंसिडेंट जो है, अब अगर मैं बोला तो आप वो किस अंदाज में लेंगे मुझे मालूम नहीं, थोड़े क्राइम जो है लोगों को जो है छोटे तबके के जो लोग रहते हैं जी। उनको जो है कानून क्या है वो भी मालूम नहीं होता, वो समझते हैं कि जो हम कुछ भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट हमारी है, इस तरह के ख्यालात जो पैदा होते हैं तो ये गलत है। तो अभी चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट हो, ये एक अवेकनिंग पैदा करना चाहिए। कभी हम इस मामले में, मैं हिंदू हूं तो हिंदुओं को सपोर्ट करो, मुसलमान हो तो मुसलमान को सपोर्ट करो, नो, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग। ये चीज जो है हर सरकार में आनी चाहिए और इसका खात्मा हो। ऐसी चीजों को अगर तुम बढ़ावा देंगे तो हिंदुस्तान में अमन नहीं रहेगा और जो है लोग परेशान होंगे। जब तक मुल्क में अमन नहीं रहेगा तरक्की हो ही नहीं सकती। अमन एक ऐसी चीज है, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इज सच ए थिंग दैट इज ए फाउंडेशन फॉर द डेवलपमेंट। हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट होना है तो तुम पहले अमन कायम करो। तो ऐसी चीजें जो है एक्सीडेंटली इंटेंशनली अनइंटेंशनली जब होते तो इसके लिए सब मिलकर आवाज देना होगा, गवर्नमेंट भी इसके खिलाफ आवाज देनी पड़ेगी और लोगों में अवेकनिंग लाना पड़ेगा। और यहां तक के वहां के पुलिस स्टेशन के ऑफिसरों की जिम्मेदारी उनको सौंपना चाहिए, अगर ऐसे इंसिडेंट होंगे तो तुमको जो है यहां से सरकारी नौकरी से बर्खास्त करेंगे। लेकिन सर ये दिखाई नहीं देता है कि बड़े नेता खुल के ऊपर बोले इसको कि ऐसा नहीं, हम नहीं चाहते ऐसा नहीं होने के लिए, खुल के क्यों नहीं बोला जाए? देखिए सर बहुत बार ये बात कहे हैं, आपको मालूम है या नहीं मालूम नहीं, इसीलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने गए बार पिछली बार जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने नारा लाया सबका साथ सबका विकास।
इस बार उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो सबके विश्वास को जीतना है। उन्होंने, मैं परसों दिल्ली गया था, दिल्ली में भी जो है एक मीटिंग में गया, तब भी बोले कभी ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, मुसलमानों को भी साथ में लेकर चलना होगा। लेकिन सर, अगर एक बार खुल के हमारे प्रधानमंत्री साहब बोले कि अब यह नहीं चलेगा हमारे गवर्नमेंट में, ऐसी बातें उनके मुंह से क्यों नहीं निकलती, चाहे अमित शाह के मुंह से क्यों नहीं निकलती? देखिए सर, नरेंद्र मोदी जी ने स्टेटमेंट दिए हैं ये गलत है, मैं इसको जो है कभी सपोर्ट नहीं करता, आई विल कंडम इट, बोल के बोले। लेकिन एक्शन दिखाई नहीं देता सर। एक्शन दिखाने दो, अभी डायरेक्शन दिए हैं सर, अभी इंशाल्लाह ये काम होगा। पुलिस में है, आपको पता है कि अगर पुलिस चाहे एक्शन लेना तो 12 घंटे में एक्शन लेके सारी चीज को दबा सकती है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं ना, पुलिस की ये जो स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है और वहां की पुलिस वाले भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर हमारे पास एक ऐसा पावर है सर, पुलिस ऑफिसर को, गवर्नमेंट सर्वेंट जो है, अगर एक दिन के अंदर उसके ऊपर इंक्वायरी लगाकर जो है कैबिनेट जो है उसको डिसमिस कर सकती है। हमारे पास क्या होता है, अगर कोई पुलिस ऑफिसर से गलती हो गई, उसके ऊपर उसको नोटिस दियो, उसका एक्सप्लेनेशन लो, उसके बाद में उसे जो है उसका इंक्वायरी करो, उसके बाद में उसको अपील टाइम दो। ये नहीं, तुम जो है एक हफ्ते के अंदर इंक्वायरी खत्म कर सकते हैं, कैबिनेट डिसीजन लेके नेग्लिजेंस अगर हुई है पुलिस की तरफ से उसको डिसमिस किया जाएगा। तब क्या होगा, तो दूसरे लोगों को सबक होगा। देखिए, दो चीजों से दुनिया चलती है, हिंदुस्तान चलता है, यहां तक कि आपके घर में भी एक निजाम जो है सिर्फ दो बिना पर चलता है, एक जो है प्यार मोहब्बत से और दूसरा जो है डर। हमको जो है कभी मां का डर होता है, कभी स्कूल में टीचर का डर होता है, कभी गवर्नमेंट का डर होता है, पुलिस ऑफिसर का डर होता है, आखिर में जो अल्लाह का डर होता है। हमें एक दिन इस दुनिया को छोड़ के जाना है, तो ये दोनों बराबर चलते रहना। अगर हिंदुस्तान में अमन होना है तो एक तरफ जो है प्यार मोहब्बत भी पैदा करो और दूसरी तरफ ये डर भी रहे, अगर तुम गलती करेंगे तो तुमको छोड़ नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं। ये दोनों को लेके चलेंगे तो स्टेट भी ठीक रहेगा और हिंदुस्तान भी ठीक रहेगा। जी, आपके हमारे पीएम जी का कहना जो है सबका साथ सबका विकास, देखिए मैं वो मानता हूँ, अगर आप विकास करेंगे तो ये विकास सिर्फ हिंदुओं के लिए तो नहीं होगा, रोड अच्छे बनाएंगे तो सबको मिलेगा, हॉस्पिटल बनाएंगे सबका होगा, वो बात मैं मानता हूँ। लेकिन जो विश्वास है, अगर मैं बोलता हूँ, अगर आप विश्वास जीत गए तो मैं आज आपको गारंटी करता हूँ अगला 5 साल भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन विश्वास जीतने का कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा। क्यों, आप माइनॉरिटी में, नहीं, कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेवारी बनती है। नहीं नहीं, ये काम हो रहा है, हमारे लोगों में भी ये सोच आई है। और मैं बहुत सारे लोगों को ये बात कह रहा था कि तुम जो है बीजेपी से नफरत करते हो, ये 15-20% हमारे साथ भी आ जाओ, हर पॉलिटिकल पार्टी में रहो। आप विश्वास दीजिए, मैं बोलता हूँ आप विश्वास की बात करें, आप दिखा दें। मैं बोलती हूँ पूरी मुस्लिम कम्युनिटी बीजेपी के पास होगी, क्योंकि मैं जानता हूं दूसरे ने उन्हें क्या दिया है, सब ने हवा दिया है। लेकिन बात यह कि कहने और करने में फर्क है सर, कहीं ना कहीं आप लोगों को दिखाना पड़ेगा प्रैक्टिकली कि हम आपका विश्वास जीत रहे। एक्शन आप दिखाइए, मुस्लिम आपके साथ होंगे। नहीं, ये काम चल रहा है, चंद दिनों में आप देखेंगे, ये बार जो है बहुत ही इफेक्टिव काम हो रहा है बीजेपी में, और हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की बात हो रही है। कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, उसके ऊपर जो है हम ज्यादा वक्त, हमारा कीमती वक्त जाया करने की जरूरत नहीं। मैं ये नहीं कहता बीजेपी के हर लोग खराब हैं, हर लोग हैं सेकुलर हैं, बात करते हैं, लेकिन चंद जो आग उगलते हैं उनके ऊपर कुछ लगाम लगाया जा सकता है सर? देखिए, मैं जब भी, जहां तक कर्नाटक का सवाल है, जब भी कोई प्रॉब्लम होता तो मैं सीधा येडियुरप्पा जी के पास जाता, हमारे डेलीगेशन को लेके जाता, सब फलाने आदमी की बात से जो है हमारी कौम को बहुत ही तकलीफ हुई है, हमको बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है, तुम ऐसे लोगों पर लगाम लगाइए। उन्होंने यहां तक के मेरे सामने जो है उन लोगों को फोन करके बोले तुम्हारी ये गलत हरकत बंद करो, ये काम कर रहे हैं। कभी आपने येडियुरप्पा की जबान से सुना कि कौम के खिलाफ? नहीं, मैं इसीलिए बोला, मैं नहीं बोला आपको सर कि बीजेपी में अच्छे लोग नहीं हैं, लेकिन जो लोग चिल्लाते हैं, आग उगलते हैं, उस पर कंट्रोल नहीं है, ये सबसे बड़ी शिकायत। नहीं नहीं, इसके बारे में कंट्रोल होगा। अब देखिए, अगर मैं बोलूंगा तो जो है पिछले ये क्या दो महीनों में, एक महीनों में कुछ ये क्या दो इंसिडेंट्स हुए हैं, तो ये बात जो भी क्राइम है, क्राइम है, उसको मैं जो कंडम करता हूं। और जहां तक कि मेरा सवाल है, और मैं एक छोटे कुएं में एक मेंढक की तरह हूं अभी,
तो मेरी कोशिश रही कि फिर से पार्लियामेंट जाऊं या असेंबली जाऊं। जब तक हम पार्लियामेंट और असेंबली नहीं जाएंगे तो मेरे जैसे हजारों लाखों लोग जो हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, दानिशमंद लोग हैं, उनकी आवाज़ सिर्फ चार दीवारी में ही रहेगी। तो इसीलिए हमारी कोशिश है जब वहां जाएंगे तो जो है हजार लोगों की बात के बराबर ये एक बात होगी। लेकिन सर तब तक काफी देर हो जाएगी कि जब आप तक वहां पहुंचेंगे ऐसे और झारखंड के कितने कांड हो जाएंगे। आप जिस पावर में वहां से भी तो आवाज उठा सकते हैं। उम्मीद रखिए ये काम हो रहा है, इंशाल्लाह इसके ऊपर रोक लगाई जाएगी, इसको कंडम किया जाएगा। और जहां तक के मेरा सवाल है, जहां भी हूं मैं जो है इसके खिलाफ हूं और ऐसी चीजों को किस तरह रोका जाए पार्टी सर्कल के अंदर भी मैं बात करता हूं, बात किया हूं। तो मेरे से उम्मीद रखिए मैं जो है लोगों को अमन की जिंदगी, आपकी जितनी भी आवाज होती है जरूर जरूर उसमें कोई तरह नहीं है। देखो ये जिंदगी परमानेंट नहीं है ना सर, जिंदगी परमानेंट नहीं, किसको मालूम कब जाएंगे। परफेक्ट इंसान कौन है मालूम आपको? जिसको अपनी मौत याद आती है, जब पता चलता है कि यहां मैं एक मुसाफिर हूं, यहां मेरा जो है इट इज ट्रांजिट है मेरा, ये एक दिन जाना है। जब ये बात जहन में आती तो इंसान के पास कम से कम 90% परफेक्शन देख सकते हैं, इंसाफ दे सकते हैं। मैं उस कैटेगरी का आदमी हूं। उम्मीद रखिए, हमारी कौम से कहना चाहता हूं इन तमाम चीजों के ऊपर रोक लगाई जाए। और आपसे भी मैं गुजारिश करता हूं कि बीजेपी में और चंद लोग आए तो यहां पर हम एक ये जो है रेवोल्यूशन लाएंगे, भाईचारगी पैदा होगी, अमन होगा, सब मिलकर रही। नहीं, हम तैयार हैं आपका साथ देने के लिए, लेकिन आप लोगों से पॉजिटिव आए तो हमें ये आपको बोलता हूं कि अगर आप सचमुच में जो बोल रहे हैं, कहने में और करने में बहुत फर्क है कि आप विश्वास जीतना चाहते हैं, और आप दिखाइए, मैं बोलता हूं अगला 5 साल भी आपका जरूर। ये इसके पीछे एक राज है, राज यह है कि हमारे हिंदुस्तान में आजादी के बाद में चंद मुसलमान, चंद हिंदू, उनके जहन में ये एक प्रिजुडिस पैदा हो चुका है। क्या कहते हैं उर्दू में प्रिजुडिस को? तासुब। जो जहन में बात बैठ गई वो बात निकालने के लिए तैयार नहीं है। तो आप गलती वही है ना सर, हम उसको निकाल नहीं रहे, वो क्या है उसमें और घी डाल रहे हैं। नहीं नहीं, वो क्या है बोले तो वो दोनों तरफ से होना चाहिए जी। और मेरे जैसा एक आदमी जो है, मैं चंद लोगों को लेके पिछले 5.5 साल से हूं, जहां भी जाता हूं तो अमन की बात करता हूं और उनको तरीका बताता हूं, तुम ऐसा करो वैसा करो, ये सब चीजें बराबर नहीं है, आखिरकार हम इंसान हैं। ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलना है, जब तक हमारी सोच नहीं बदलती। और ये काम जो है हिंदू में भी होना चाहिए और मुसलमानों में होना चाहिए। और शर मचाने वाले मेरे हिसाब से, मेरी जहां तक मेरा तजुर्बा है, ये 4-5% मिलेंगे ज्यादा से ज्यादा। 95% लोग जो है आज हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख ईसाई, जो अमन की जिंदगी गुजारना चाहता है, खुशी खुशी जिंदगी में रहना, उसको कोई तरह का टेंशन नहीं आना चाहिए। तो जब ये अच्छी क्वालिटी हमारे पास है, चंद लोगों से ये शर बढ़ता है, तो इसको रोकने के लिए ये जो जिम्मेदार लोग हैं ये उनका फर्ज बनता है, आलिमों का भी फर्ज बनता है, और हिंदू के जो मठ के स्वामी हैं उनका भी फर्ज बनता है। ये लोगों को जो है हमेशा जो है अमन की दावत दें और भाईचारगी की दावत दें, तो ये हमारे ख्याल नहीं, दावत तो देंगे लेकिन क्या है, जो घी डालने के काम कर उसको आप रोकने की कोशिश कीजिए। बाकी हम जो हैं हम इसको डेफिनेटली डिफ्यूज कराएंगे हम लोग अपने तरफ से, लेकिन आप अपने मिनिस्टरों को बोलिए कि उस पर घी ना डालें जी। मैंने आपसे कहा कि जहां तक मेरा सवाल है मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूं, ये गलतियां जो दोनों तरफ से हो रही हैं ये इसको रोकने के लिए हमारे पास एक मूवमेंट होना चाहिए जी। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मुसलमानों से गलती हो रही है या हिंदू से गलती हो रही है, ये जहां तक कि मैं याद है पुलिस ऑफिसर जो गलतियां दोनों तरफ से हो रही, वो मैंने कहा 2-3% लोग हैं, तो हम जो है उनके इन्फ्लुएंस में ना आए। नहीं, हम तो बोलते हैं सर कभी हम गुफ्तगू करें, कभी बात करें, तो शायद हमें ये बात ही नहीं करना चाहिए हिंदू और मुस्लिम, हमको तो ये बात करना चाहिए कि हिंदुस्तान का सिटीजन है, इसका ग्रोथ कैसे हो। तो कहीं ये बात कहीं जहन से निकालना पड़ेगा हर किसी को, चाहे वो जनता हो, चाहे पावर में बैठे मिनिस्टर हो, चाहे मीडिया हो, कि इस बात का बात ही ना करें कि मुस्लिम से बात कर रहे या हिंदू से बात कर रहे। देखिए, इसीलिए मैंने आपको कहा कि जो प्रिजुडाइज हमारे पास डेवलप हो चुके हैं, हम जो है
जब भी किसी नॉन मुस्लिम को देखते हैं तो कम्युनल एंगल में देखते हैं, वो हमको देखते हैं तो वो हमको कम्युनल एंगल में देखते हैं। ये दोनों का टकराव हो रहा है। इससे जो है लाइट जनरेट होने के बजाय यहाँ पे जो है हीट जनरेट हो रही है, तो इसको ख़त्म करना है। हमारे पास ये कहते हैं कि जो है जो भी प्रॉब्लम है, डॉक्टर वो एक कहावत है, डॉक्टर जब भी इलाज शुरू करने से पहले जो भी बीमारी का मुआयना कर रहा है उस बीमारी का काज को फाइंड आउट करो, किस कारण से उसके पेट में दर्द हो रहा है, कि अल्सर से हो रहा है, कि एक्सेसिव हीट से हो रहा है, या और कुछ प्रॉब्लम हो गया, हर्निया हो गया है, ये देखना होगा। तो ये आज हम जो है जांच कर जो है बेदारी भी पैदा करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा करो, तब जो है जब तक हमारे दिलो दिमाग ठीक नहीं होते तो ऐसे छोटे मोटे इंसिडेंट्स होते हैं। इसके लिए एक मूवमेंट चलाएंगे, एक इंकलाब लाएंगे, इंशाल्लाह। उम्मीद रखिए, जे कोई छोटा आदमी हो, ऐसे सारे लोग आप जैसे भी हमारे साथ मिल जाएंगे तो हम सब जो है एक अमन और सुकून की भाईचारे की दावत देंगे और हिंदुस्तान को जो है हमारी हमारा मुल्क। क्या हम कुछ ऐसा बेंगलोर में कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि माइनॉरिटी से, क्योंकि आप भी माइनॉरिटीज के इंचार्ज हैं, कि कहीं कोई गलती होती है हम उसको हाईलाइट करते हैं, लेकिन सेम वे अगर मैं ये बोलता हूँ कि कभी कोई हिंदू भाइयों से मिस्टेक होती है, उस चीज़ को हम हाईलाइट आपके सामने करें, उसको आप डिफ्यूज करने का बेंगलोर में कोशिश कर सकते हैं, कहीं हम अपने घर से तो शुरू करें। देखिए, अगर आपको बताऊं, बेंगलोर में एक आरएसएस लीडर का कत्ल हुआ, रुद्रेश नामी, कामराज रोड में, आप जी सुने होंगे या टीवी वगैरह में देखे। तो उस दिन जो है कम से कम 5,000 का मजमा था, 5,000 का मजमा। और जब मैसेज आया मुझे, एक तरफ से वहां सस्पेक्ट कर रहे हैं किसी नॉन हिंदू या किसी मुस्लिम की तरफ से, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कत्ल हुआ है, टीवी में कैप्शन आ रहा है, मैसेज आया कि जो भी लीडर्स अवेलेबल हैं बेंगलुरु में वहां पर पहुंच जाइए। मैंने सोचा कि मैं माइनॉरिटी मोर्चा का अध्यक्ष हूं, अगर मैं ये न्यूज देखने के बाद में गया तो मुसलमान जो है मेरे से नाराज हो जाएंगे, क्या भी अजीम साहब जो है हमारी कौम का नाम आ रहा है, ये वहां चले गए, उनके प्रोसेशन में चले गए, उनके प्रोटेस्ट में चले गए। अगर नहीं गया तो मुसलमानों का नाम आया इसलिए जो अजीम वहां पर नहीं आए, तो ये डिलेमा था। मैंने बोला एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री मुझे वहां जाना हो, तो मैं वहां गया, तो प्रोटेस्ट के लिए लोग तैयार हो गए, 4,000-5,000 का मजमा है, तो कमर्शियल स्ट्रीट में प्रोसेशन जाने वाला था। मैंने हमारे लीडरों से कहा, देखिए मैं आज अजीम बात नहीं कर रहा हूं, आपको एक एक्स पुलिस ऑफिसर की हैसियत से बात कर रहा हूं, अगर प्रोसेशन यहां से निकला तो समझो कि जो है कितने की एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, वो किसी दुकान में गुजरे, घुसकर जो है कुछ ना कुछ हुआ, किसी का कत्ल हुआ, उसके बाद में फिर से जो टीवी मैसेज आ गया इतने लोग मरे, उतने लोग मरे, उसके बाद पुलिस फायरिंग होगी, उसके बाद में फिर गलियों में शिवाजी नगर की बैक स्टैबिंग होगी। तो मैं बोला साहब मेहरबानी से जो है मैं एज एक्स पुलिस ऑफिसर की हैसियत से आपको बोल रहा हूं, ये प्रोसेस नहीं होना चाहिए। मेरी बात हमारे लीडर सुने, अजीम जो कह रहे हैं ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन प्रोटेस्टेंट को जो है रोक दिया, नहीं कल हम करेंगे, आज नहीं करना चाहिए। तो क्या है, तुम्हारे प्रेजेंस से और तुम जो है अच्छे इंसान हो तो वहां पर जो है बहुत सारी चीजों को रोक भी सकते हैं। मतलब अगर कोई मामूली इंसान वो कहां भी रहो उसकी कोई कदर नहीं होती, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा लीडर, एक अच्छा खादिम जिसकी अच्छी सोच है, सेक्युलर है, तो उससे जो है कौम को भी फायदा होता है, जनरल अवाम को भी फायदा होता है, मुल्क के लिए भी फायदा है। तो मैं समझता हूं कि अल्लाह ताला मेरे में कुछ ना कुछ काबिलियत रखा है, तो उससे जो है सारे अवाम को जो है एक अमन मिल सकता है। मैं पुलिस में भी वही नौकरी किया हूं, वो वही काम किया हूं, आज भी वही काम कर रहा हूं, लोग मेरे पास आते हैं, मैं उनको बताते नहीं, पूछता तुम क्या है, बोल के तू हिंदू है या मुसलमान है, तू किस मोहल्ले से आए, कुछ नहीं, उसका प्रॉब्लम सुनता हूं, सुनते ही मुझे मालूम होता है इसका प्रॉब्लम जनीन है, तो मैं पुलिस ऑफिसर को फोन करके बोलता हूं फलान आदमी को भेज रहा हूं, उसका प्रॉब्लम मैंने उसको सुना हूं, जनीन प्रॉब्लम है, लीगल है, तुम उसको हेल्प करना हो। मैं समझता हूं मेरे से चंद पुलिस ऑफिसर, रिटायर्ड ऑफिसर होंगे
जो पुलिस को जब फोन करता हूं तो पूरी इज्जत के साथ मेरी बात को सुनते हैं और यहां तक मैं बोलता हूं इसका काम ऐसा करना चाहिए ऐसा करना है। दूसरा कोई पॉलिटिशियन ये काम नहीं करा सकता, ये काम मैं कर रहा हूं, खिदमत हो रही है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया रोशनी डालने के लिए और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप बहुत माइनॉरिटी का काम करेंगे और सभी का काम करेंगे, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं हमें शुरुआत करनी पड़ेगी कि ये लैंग्वेज हटाना पड़ेगा, मुसलमान और हिंदू हमें बात करना है, हम हिंदुस्तानी हैं, ये लैंग्वेज पे जाना पड़ेगा, तभी देश की तरक्की होगी। जी देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहे कि मैं रहमतुल आलमीन हूँ, अल्लाह ने मुझे इस दुनिया को रहमत बना के भेजा है। अल्लाह ने भी ये फरमाया कि मैं रब्बुल आलमीन हूँ। मैं कभी इसी प्रिंसिपल के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, मैं कभी लोगों को जात पात के नाम पे डिवाइड नहीं करता, और जो अगर उसका प्रॉब्लम जेन्युइन है तो वहाँ भी मैं, अगर कि मुसलमान का प्रॉब्लम जेन्युइन है, वो हकदार है प्रोटेक्शन का, तो वहाँ भी मैं हिचमिचाता नहीं, मैं बराबर उसका साथ देता हूँ। ना मुझे डर है ना मुझे और कोई, मैं जो इंसाफ करने वाला आदमी हूँ और यही प्रिंसिपल के ऊपर जो है रहमतुल आलमीन रब्बुल आलमीन, तो मैं भी जो है पूरे आलम के लिए जब भी अल्लाह ताला अगर कोई मुझे मौका दिया काम करने का, कोई वो जब अकेजन आया तो मैं सबके लिए जो है ये एक निगाह से देख कर काम करने वाला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।